मिलकर कैसा लगा इन बच्चों से मिलकर? बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया जो क्षण है वो आज वाला है जो इन बच्चों से मिला। तो सर आप यू हमारी संस्कृति में होटलों में या ये केक काटना ये जो है ये संस्कृति में है नहीं, लेकिन लोग मनाते हैं। मेरा और ये हमारे साथ में जितने भी युवा आए ये सारे जो है हमारे समाज के जो युवा है ये रचनात्मक रूप से ये अलग तरीके का कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपन जितना पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं वो पैसा यदि कहीं सही व्यक्ति तक पहुँचे ऐसा काम अपन करें, तो उसके लिए हमने ये कार्यक्रम। तो सर आज आप इन बच्चों आज मेरा जन्मदिन है और सब युवाओं की इच्छा थी, पिछले साल हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, इस बार ये सबको ये लगा कि ये जो जहाँ मूक और बधिर जो बच्चे हैं यहाँ पे जो जिनका कोई कोई सुनता नहीं है कोई देखता नहीं है इन बच्चों की कोई न कोई चीज़ जो है अपन जन्मदिन के अवसर पे भेंट करेंगे ऐसा हमने कार्यक्रम रखा था। तो सर अक्सर लोग होटलों में या बड़ी पार्टियाँ मनाएंगे आज। मैं युवाओं से ये अपील करूँगा ये फिजूल खर्ची से बचे और इस तरीके के जो गरीब बेसहारा मूक बधिर जो बच्चे हैं उनकी हर समय सहायता करते रहे, पढ़ाई पे ध्यान दे, रक्तदान करे ताकि किसी की ज़िंदगी बच सके। और इस तरीके के जो जो जहां आश्रम है जहां बुजुर्ग रहते हैं जिनको जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है या फिर इस तरीके के बच्चे जहां रहते हैं उन बच्चों की हेल्प करे। मंथली एक महीने का एक कुछ न कुछ निश्चित जैसी उनकी आय है उस तरीके के पैसे है जो वो यहाँ पर खर्च करे, तो अपने हिंदुस्तान में इस तरीके के जो बच्चे है या बुजुर्ग है वो नहीं रहेंगे।